हेलो एवरीवन, आज हम डिज़ाइन करेंगे रेक्टेंगुलर टैंक, दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लो। सो यहाँ पे फ्लो जो होता है वो हॉरिजॉन्टली, दिस इज योर इन्फ्लुएंट एंड दिस इज योर एफ्लुएंट, एंड जो भी स्लज जो सेटल डाउन होता है दैट विल बी कलेक्टेड एट दिस हॉपर एंड इट विल बी कलेक्टेड थ्रू दिस स्लज विदड्रॉल पाइप। एंड हियर दिस बफेल इज प्रोवाइडेड, बफेल वॉल इज प्रोवाइडेड जस्ट टू हैव द यूनिफॉर्म velocity of flow. So here in this direction, whatever velocity is there, it is called as horizontal velocity. और जो settling की velocity होती है, वो vertical होती है. तो vertical जो velocity होती है, that is related to your SLR, surface loading rate, and that is equivalent to your settling velocity. और जब हम horizontal velocity लेते हैं, तब हमको cross sectional area मिलता है, मतलब depth into width. That you have to remember. So this is the problem. Design a suitable sedimentation tank for a town whose daily demand is 12 million liters per day. So this is the flow. 12 million liter per day हमको यहाँ पे treat करना है. Tank is fitted with mechanical scraper. मतलब नीचे mechanical scraper arrangement किया गया है. Assume detention period 5 hours. 5 घंटे का detention time है. And horizontal velocity of flow is 20 centimeter per minute. That we can assume between 15 टू 30 पर यहाँ पे दिया गया है. तो सबसे पहले तो क्यू निकालना है हमको, जो क्यू हमको पता है 12 इंटू 10 रेस टू 6 लीटर्स पर डे, बिकॉज 1 मिलियन इज 10 रेस टू 6, उसको हम 10 रेस टू 3 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर क्यूब, एंड आवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड करना होगा. सो 500 मीटर क्यूब पर आवर. सो ऑलवेज क्यू वी हैव टू फाइंड आउट इन द यूनिट ऑफ मीटर क्यूब पर आवर, क्योंकि हमारा डिटेंशन टाइम नॉर्मली आवर्स में होता है. So as you know that detention time is given by volume upon rate of flow. So यहाँ पे हमको rate of flow पता है और detention time पता है, तो हमको volume of tank मिल जाएगा. So volume of tank is Q into detention time. So Q is in meter cube per hour, 5 hour is your detention time. So you will get this 2500 meter cube as volume. अभी हमको volume मिल चुका है और हमारे पास horizontal velocity हमको दी हुई है. तो जब भी हमारे पास horizontal velocity दी होती है, तो हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसको कनेक्ट करना है. सो यहाँ पे आप देखेंगे दिस डिटेंशन टाइम बी अपॉन क्यू एल बी इंटू एच. सो दिस बी इंटू एच इट इज बेसिकली अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ब्रेथ इंटू हाइट. तो इसको अगर हम नीचे लेके आते हैं तो इट इज क्यू बाई ए होता है, एंड क्यू बाई ए इज वेलोसिटी. दिस क्यू बाई ए विल बी वेलोसिटी. सो लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो कैसे होगा, डिटेंशन टाइम इंटू दिस क्यू बाई ए, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये आपका नीचे आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये जो है आपका वेलोसिटी बन जाता है क्यू बाई ए. तो वेलोसिटी दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिटेंशन टाइम. सो वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिटेंशन टाइम. तो 0.2 दैट इज मीटर पर मिनट. हमारे पास 5 आवर्स है डिटेंशन टाइम, सो कन्वर्ट इट इनटू मिनट, सो मल्टीप्लाई बाय 60. सो यू विल गेट लेंथ 60 मीटर. अभी हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है. सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया एज आई टोल्ड यू दैट इट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ टैंक. ये एल बी एच है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो जो भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम वॉल्यूम को लेंथ से डिवाइड करेंगे. हियर यू कैन सी वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच. क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम डिवाइड बाई एल करना पड़ेगा. सो हियर यू कैन गेट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया 2500 वॉल्यूम, 60 इज लेंथ. सो यू विल गेट 41.66 मीटर स्क्वायर एज क्रॉस सेक्शनल एरिया. और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा b इंटू h होता है, ब्रेथ इंटू हाइट. तो हम अगर एज्यूम कर रहे हैं वाटर डेप्थ 3.5 मीटर, सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय डेप्थ इट विल गिव यू योर विड्थ ऑफ द टैंक, दैट इज 11.9, और वी आर एज्यूमिंग इज 12 मीटर. नाउ वी आर यूजिंग 0.5 मीटर एज फ्रीबोर्ड, मतलब जो भी वाटर डेप्थ है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस हम रखते हैं उसको 0.5 एज्यूम किया है. तो टोटल हमारा डेप्थ बनेगा 4 मीटर, 3.5 प्लस 0.5. सो अल्टीमेटली द टैंक का साइज आता है 60 मीटर लेंथ बाई 12 मीटर ब्रेथ बाई 4 मीटर ओवरऑल डेप्थ, एंड लेंथ में बी प्रोवाइडेड इन टू टू पार्ट. नाउ ऑलवेज वी आर चेकिंग द सर्फेस लोडिंग रेट, एंड सर्फेस लोडिंग रेट इज गिवन बाई क्यू अपॉन ए. और हमेशा ए जो होता है, क्योंकि सर्फेस लोडिंग रेट इज रिलेटेड टू योर वर्टिकल वेलोसिटी. सो दिस वर्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी इक्वेट करते हैं, तो दिस सर्फेस लोडिंग रेट इज क्यू बाई ए. और ए कौन सा आएगा, आपका प्लान एरिया. सो प्लान एरिया इज एल इंटू बी. तो जो भी आपका लेंथ है और उसका ब्रेथ है वो हमको, दिस इज योर प्लान एरिया.
तो ये प्लान एरिया ही आपको कंसिडर करना है फॉर योर सरफेस लोडिंग रेट. सो q बाई ए, ए इज एल इंटू बी, सो q इज नोन टू अस 12 इंटू 10 टू 3, लेंथ इज 60, ब्रेथ इज 12, सो वी आर गेटिंग 16.66 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, एंड दिस इज विद इन लिमिट एज वी नो दैट इट शुड बी इन द रेंज. सो हियर वी हैव डिजाइन लेंथ, देन ब्रेथ एंड हाइट, दैट इज डेप्थ, एंड 0.5 मीटर इज योर एक्स्ट्रा स्पेस, दैट इज योर फ्री रूम. And this design is okay because the surface loading rate is coming within limit. So, अगर आपको अच्छा लगा ये lecture तो please like करें, share करें, comment भी करें and please subscribe my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. Thank you.